सोलन में भी सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे युवाओं से बात की गई तो प्रतिस्पर्धा की दौड़ में आज युवा वर्ग अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सरकारी नौकरी पाने के लिए एक के बाद एक परीक्षाओं की तैयारी में जुटे रहते हैं। लेकिन इन सबके बीच एक मानसिक तनाव के चलते बहुत से प्रतिभागी प्रतियोगिता की परीक्षा में सफल नहीं हो पाते हैं। सोलन में भी सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षाओं की तैयारी में जुटे युवाओं से चैनल ने बात की, जिन्होंने कहा कि एक साथ कई प्रतियोगिताओं की तैयारियों में वे जुटे हुए हैं, ऐसे में तनाव होना स्वाभाविक है। सोलन के पुस्तकालय में विभिन्न परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे छात्रों ने बताया कि वे सरकारी नौकरी में अपने भविष्य के सपनों को साकार करने में लगे हैं। छात्रों ने कहा कि परीक्षाओं में चुनौतियां अधिक हैं, जिनसे निपटने के लिए वे पूरी तैयारी करने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ साथ बैंकिंग की भी वे तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ऐसी परीक्षाओं को केवल पास करना ही काफी नहीं है, क्योंकि अधिक परसेंटेज आने पर वे उस नौकरी के लिए पात्र हो सकेंगे। विभिन्न परीक्षाओं में कुछ ही नंबर से वे पीछे रह जाने का दर्द भी कई छात्रों के चेहरे में साफ दिखा। उनका कहना है कि परीक्षाओं के दौरान परिवार और संबंधियों के दबाव के चलते मानसिक तौर पर परेशानी हर वक्त बनी रहती है, जिस कारण कुछ पॉइंट नंबरों से वे परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद वे पूरे जोश के साथ नई उम्मीद लिए चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। मेरा एम है कि बस अब मैं टॉप कर लूं, इसलिए और मैं अपना माँ बाप का नाम रोशन करूं। घर वालों ने वो बोला है नंबर लाने के, लेकिन और मैं भी चाहता हूं, क्योंकि मेरा एम है नेवी ऑफिसर बनना, और अगर मैं अच्छे नंबर नहीं ला पाऊंगा तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो मैं मुझे बहुत बुरा लगेगा। मैंने बीकॉम करी है पीजी कॉलेज से, और अब मैं बैंकिंग की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि सेल्फ स्टैंड होना ज़रूरी है, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है, और ज़रूरी है कि आप खुद कमा रहे हो, अपनी हेल्प कर सकते हो। नहीं सर, प्रेशर तो थोड़ा होता ही है, वो आपको स्ट्रेस होता है कि आप एग्जाम निकालते कि नहीं निकालते, पर वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसी है, किस हिसाब से आप तैयारी कर रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। पेरेंट्स बोलते हैं जो करना वो करो, पर अपना ये एक शौक है, एक एम है कि मतलब एचएस की तैयारी करनी है। ये परसेंटेज के पीछे आजकल बच्चे मैक्सिमम भाग रहे हैं, आप किसी भी स्कूल में देखेंगे तो 99% कहीं कट ऑफ चली जाती है, तो कहीं ना कहीं परसेंटेज के पीछे बच्चे बहुत सीरियस है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा नहीं सोच पाते हैं। तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं वो इस रेस में परसेंटेज के पीछे दौड़े हुए हैं।